हेलो गाइस, नमस्ते। मेरा नाम आदित्य है और मैंने इस साल सबसे पहला फ़ोन रियलमी का ख़रीदा था, पर आज मुझे गवर्नमेंट की तरफ से ये लावा Z3 मिला है। तो आज हम लोग इसको अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, देखने वाले हैं इसके अंदर क्या होता है, कैसे चलता है और क्या क्या फ़ीचर्स दिए हैं गवर्नमेंट ने और कैसा क्या है। तो आज सितंबर के महीने में मेरा जो बैचलर्स था वो कंप्लीट हुआ है और उसी के कंप्लीट होने की ऑनर में मुझे ये फ़ोन दिया गया है। तो लेट्स चेक इट आउट। तो देयर वी गो, ये लावा का फ़ोन है, लावा Z3, जिसकी 3 GB कुछ रैम दिखा रही है, 32 GB रोम और 5000 mAh की बैटरी। प्राउडली मेड इन इंडिया। मोबाइल की बात करें तो इसमें मीडिया टॉक हेलो प्रोसेसर है, 8MP डुअल कैमरा, फिंगरप्रिंट सेंसर, 6.5 इंचेस की HD डिस्प्ले और एंड्रॉयड 11 विद कॉलिंग। तो ये मेड इन इंडिया का फ़ोन जो कि मुझे दिया गया है कॉलेज की तरफ से। इसमें वैसे देखा जाए तो इसके रेट कुछ लिखे हैं 13,000 जहाँ तक मैं पढ़ पा रहा हूँ, बट ये 7,500 का है, मतलब 7,500 का। और चलिए इसको खोलते हैं। गणपति बप्पा मोरिया। ये मैंने खोल दिया है। लेट्स हैव अ लुक। तो सबसे पहले मिलता है हमको ये बॉक्स और इस बॉक्स में देखते हैं जल्दी से क्या है। ओके, तो ये एक बैक ट्रांसपेरेंट कवर दिया गया है, ये टच स्क्रीन के लिए है। इसको साइड में रखते हैं और आते हैं अपने फ़ोन के पास। ये फ़ोन है जो कि मिला है और ये चार्जर 10 वोल्ट का चार्जर है, ये काफ़ी फास्ट चार्जिंग करता है ये। और ये केबल आई थिंक ये टाइप सी केबल है ये। ओके, तो टाइप सी केबल दी गई है, इसको भी रखते हैं साइड में और इसको भी रखते हैं साइड में और खोलते हैं अपने फ़ोन को। हाँ, ये नॉट बैड ये हमारा फ़ोन है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में। इसका 8MP का कैमरा है, टच सेंसर दिया गया है और लावा के कुछ प्रोटोकॉल्स लिखे हैं यहाँ पर। इसके राइट साइड में दोनों बटन दी गई हैं,
वॉल्यूम के लिए और ऑन ऑफ के लिए, नीचे टाइप सी केबल, माइक और लीड के लिए। माइक इसका यहाँ पे दे दिया गया है, पर जब लाउड स्पीकर में जब ऐसे मैं गेम खेलता हूँ तो ये ढक सकता है। ओके, तो ये प्रॉब्लम है। और इसका स्क्रैच बोर्ड आप देख पा रहे होंगे, इससे स्क्रैचेस काफ़ी कम आते हैं और ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। चलिए अब इसे ऑन करते हैं, और जब तक ये ऑन हो रहा है तब तक हम इसको ओपन कर लेते हैं अपने बैक कवर को। और ये हो चुका है शायद ऑन। ओके, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार लिख कर के आ रहा है। इसमें एंड्रॉयड 11 था, पर आई डिडेंट एक्सपेक्टेड दिस। ओके, तो हमारा फोन हो चुका है ऑन। शुरू करते हैं स्टार्ट। अभी इसको चाहिए हॉटस्पॉट, तो कवर को लगा के देखते हैं जो कवर है इस पे कैसे आता है। ओके, काफी टाइट आ रहा है। फिलहाल के लिए ओके, परफेक्ट कवर आ चुका है। और डालते हैं पासवर्ड को। गेटिंग योर फोन रेडी। और तब तक हम देखते हैं हमारे डिब्बे में हमें क्या मिला है। ये क्या, तो ये एक पिन दिया गया है, पिन दिया गया है हमको इसका, सिम और मेमोरी कार्ड डालने के लिए। और इस गत्ते का डिज़ाइन काफ़ी कमाल का है। चलिए अब इंतज़ार की घड़ियाँ हुई ख़त्म और हमारा फ़ोन खुल चुका है। मेरे फोन में शायद नेटवर्क नहीं आ रहा है। Thank you.
तो ये हो चुका है हमारा फोन ऑन, युवा शक्ति क्षमता पार रहे कार लोकेशन कंट्रोल लोकेशन मूविक कंट्रोल इज रनिंग। तो ये वो ऐप है जो ट्रैक कर रहा है इस फ़ोन को, और इस फ़ोन को ट्रैक करने के साथ साथ ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि स्क्रीन पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, चलिए अब टेस्ट करते हैं इसके कुछ फीचर्स को। बात कैमरे की तो इसका कैमरा काफ़ी कलरफुल है और ब्राइटनेस भी मस्त है जो कि सही से फोटोज बना रहा है, वीडियोस। इसका कलर पैटर्न काफ़ी अच्छा है, इवन जिस चीज़ से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे भी बेटर है इसका कलर पैटर्न, आप देख सकते हैं। और ब्यूटी भी है, स्ट्राइक भी है, पोर्ट्रेट भी है, नाइट कैमरा भी है, नॉट बैड। चलिए फ्रंट कैमरा भी टेस्ट कर लेते हैं इसका। बस इसके फ्रंट कैमरा की तो इसका फ्रंट कैमरा भी ठीक ही ठाक है, इतना बुरा नहीं है। और वाइटिंग एडजस्टमेंट जो ये कर रहा है, ब्राइटनेस को एडजस्ट कर रहा है, वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे से ब्राइटनेस को एडजस्ट कर पा रहा है ये फ़ोन। और मैं इसके कुछ फीचर्स देखना चाहूँगा, लाइक कैमरा, ऑटो रोटेशन, बैटरी सेवर, एरोप्लेन मोड, रीड मोड, स्क्रीन मोड, नियर बाय, नॉट बैड। और हम चलते हैं इसकी, इसमें कुछ ऐप्स हैं जो इंस्टॉल करके दिए गए हैं, इसकी सेटिंग की तरफ चलते हैं। इसकी सेटिंग में अगर हम जाएं अबाउट दिस फ़ोन तो आप देख सकते हैं जावा Z3 है, फ़ोन नंबर अननोन, इमरजेंसी लीगल, सिम, वाईफाई, ब्लूटूथ, टाइमर के। चलिए बढ़िया, बाकी ऑल राइट। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।